नमस्कार दोस्तों, फिटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हॉस्टल की सुविधाओं के बारे में, जिनके लिए कुछ दिन पहले किसी मित्र ने कुछ मतलब कि टाइप करके दिया था कि सर आप इन इन टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। जैसे टॉपिक आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा और मैं नंबर वाइज थंबनेल में है वैसे ही मैं बोलते चला जाऊँगा। आपका जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो, चाहे आप गर्ल्स हो या फिर बॉय हो, दोनों के लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि कोई दिक्कत ना हो। ये समस्या सभी के लिए आम है, तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी वीडियो मिलते रहे। सब्सक्राइब करने के फायदे हैं क्योंकि मैं हर कॉमेंट का रिप्लाई देता हूँ और आपको रिप्लाई हर जगह से नहीं मिल पाएगा, और वीडियो में जो कुछ छूट जाता है वो कमेंट में आता है, तो मैं रिप्लाई के माध्यम से बता देता हूँ कि आप देखिए आप का जो भी डाउट होता है वो कमेंट से क्लियर हो जाता है, या फिर अगर उससे भी क्लियर नहीं होता आप खुद से कमेंट कर लीजिए कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन रह गया है, आप मुझे इसके बारे में बता दीजिए। अगर आप ITOT लखनऊ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो ITOT लखनऊ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और CIT संबंधी और जानकारी के लिए आपके फाइनल एग्जाम तक मैं आपकी हेल्प करूंगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन है हॉस्टल में क्या क्या सुविधा है। तो हम ज्यादातर बात करेंगे ITOT लखनऊ को रिलेटेड मान के कि यहाँ ऐसे है, काफी थोड़ी जगह थोड़ा बहुत चेंज हो सकते हैं, इसके लिए परेशान नहीं होना है, लेकिन मैं फिलहाल सब जगह एक ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। तो हॉस्टल में क्या क्या सुविधा है, तो हॉस्टल की सुविधा की बात करें तो देखिए पहले बॉयज़ के बारे में बता देते हैं, फिर साथ ही साथ गर्ल्स हॉस्टल के बारे में। बॉयज़ हॉस्टल की बात करें तो देखिए एक रूम रहेगा जिसमें दो लड़के रहेंगे। एक रूम में कितने लड़के रहेंगे, दो लड़के रहेंगे, दो ट्यूबलाइट रहेगा और रूम में ही आपका वॉशरूम रहेगा, ठीक है। हैंड रैक मिल जाएगा, काफ़ी है, दो ट्यूबलाइट है, दो बेड रहेगा आपका, अलग अलग बेड है, मोबाइल चार्जिंग के लिए भी अलग अलग सॉकेट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब कि ITOT लखनऊ की बात करें तो बॉयज हॉस्टल तो काफ़ी अच्छा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, दो बेड मिल जाएगा, बिस्तर वगैरह आपको लेके जाना है और कुछ नहीं मिलेगा बस। और मेस अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो मेस लेना तो आपको कंपलसरी है, ये आगे भी क्वेश्चन है, चलिए आगे भी देखेंगे। लेकिन अगर हम गर्ल्स हॉस्टल की बात कर ले तो ITOT लखनऊ में गर्ल्स हॉस्टल के लिए वो थोड़ा बिल्डिंग पुराना है, तो खैर पुराने बिल्डिंग से कोई मतलब है नहीं आपको। आपको जो है एक रूम में 4 से 5 गर्ल्स रहेंगी, गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो, और उनका जो है वॉशरूम कंबाइंड रहता है, तो इसलिए आपको लाइन लगाना पड़ सकता है। मतलब कि एक रूम 4-5 लोगों के पे ही एक रहेगा, रूम के अंदर ही रहेगा, रूम बड़ा सा रहता है, बेड आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है, और कोई दिक्कत है नहीं। और ठंडी के मौसम है तो वहाँ गीजर का भी सुविधा है, बॉयज़ हॉस्टल में भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी है, गर्म पानी के लिए कोई टेंशन नहीं है, लग चुका है गीजर। अब बात करते हैं क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन की तरफ, अपने साथ क्या क्या ले जाना पड़ेगा। तो अपने साथ क्या क्या ले जाना पड़ेगा, तो बेड वगैरह तो मिल ही जा रहा है, तो अपने साथ अगर दूर से है तो बिस्तर ना ले जाइए, वहीं खरीद लीजिएगा। सोने के लिए गद्दा वगैरह मिल जाता है आपको, 225 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। तकिया लेना चाहे तकिया, चादर वगैरह, अगर चादर घर से ले ले तो सही है, नहीं तो वहाँ भी पास ही में डंडैया मार्केट है, वहाँ से आप ले लीजिएगा, वहाँ रेट सही रेट में मिल जाता है। ITOT के रास्ते से जाइएगा अंदर अंदर, तो ITI के जस्ट पास पूछिएगा डंडैया कहाँ है मार्केट, तो वहाँ से आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। धो के ले जाने की जरूरत नहीं, अपने बुक्स ले जाइए और कपड़े ले जाइए बस, और कुछ नहीं। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है क्लास की टाइम और कितने घंटे क्लास चलती है। देखिए क्लास की टाइमिंग की बात कर ले तो 2 शिफ्ट में क्लास चलती है, एक होती है, एक आपका है 8 से 4:30 बजे तक, और दूसरी शिफ्ट है 10 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। तो इसमें अल्फाबेट वालों के हिसाब से मिलता है, अगर आपका ए से नाम शुरू होता है, ए से पहले वालों को 50-50 ग्रुप में बांट दिया जाता है। अब ए से जितने नाम तक 50 लड़के आ जाए उनको रख लिया जाता है फर्स्ट शिफ्ट, मतलब कि 8 बजे से, और इसके बाद जितने होते हैं उनको रख लिया जाता है 10 बजे की शिफ्ट में। तो आपका जो नाम हो अगर आपका ये नहीं मुझे सुबह वाला ही शिफ्ट चाहिए, तो इसके लिए जब शिफ्ट मिल जाए तो तुरंत चेंज करवा लीजिएगा, अगर आप चेंज करवाना चाहें तो हो सकता है, लेकिन बाद में चेंज नहीं होगा। ओके, कोई डाउट।
अगर हाँ कितने घंटे, 8.5 घंटे की क्लास रहती है। अब जैसे कि कुछ, अब मान लीजिए फिटर में 100 100 है, इलेक्ट्रीशियन में 100 है, लेकिन कॉस्मेटोलॉजी है उसमें 85 सीटें हैं, तो उसका टाइमिंग आपका 10 बजे से 6:30 बजे तक रहेगा। अब चौथे क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, क्या वहाँ रहकर वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए टाइम मिलेगा? क्वेश्चन जिन्होंने भी लिखा है, इतने सारे 9 क्वेश्चन ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होंगे तो देखे होंगे ये क्वेश्चन है, और उन्होंने 2-3 बार रिक्वेस्ट भी किया था कि इस पर सर वीडियो बनाइए। क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है, मेरे मुझे नाम उनका नहीं याद आ रहा है, तो अगर वो वीडियो देखे तो कमेंट जरूर करें कि मैंने ये क्वेश्चन सेल किया था। तो उन्होंने पूछा था कि क्या वहाँ रहकर वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए टाइम मिलेगा। तो देखिए स्टार्टिंग के टाइम में क्या होगा कि आपको कॉलेज से ही इतना काम मिलेगा कि आप रात के 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक आप कॉलेज के काम ही करते रहिएगा, और लगेगा कि कौन से मुसीबत में फंस गए, ठीक है। लेकिन जैसे ही 2-3 महीना बीतेगा तो लगेगा कि अब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे जगह फंस गए, ना पीछे आ सकते हैं ना आगे जा सकते हैं। और मतलब कि तब आप कॉलेज के काम से लगभग फ्री रहिएगा, आप अपने कोई भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन 2-3 महीने स्टार्टिंग के टाइम आपको नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन जब इंड होने रहेगा सेशन का, तो लगेगा कि नहीं, हम सही जगह थे, हम यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं, यहाँ से हम कुछ करके जा रहे हैं। अपने आप को परिवर्तन आप पाइएगा कि हाँ नहीं, मुझ में कुछ चेंज आ गया है। 5वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लें, तो प्रवेश लेने से पहले पता चल जाएगा कि हॉस्टल मिलेगा या नहीं। देखिए ITUT लखनऊ में चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, सबको हॉस्टल मिल जाता है, ठीक। क्यों क्यों मिल जाता है भाई? क्योंकि यहाँ जो है मेस, हॉस्टल के साथ मेस कंपलसरी है। अगर हम कहीं और देखें तो कानपुर में ऐसा नहीं है, मेस कंपलसरी नहीं है, है ना। तो इसीलिए यहाँ सब मेस का फीस पहले तो जो था वो 3500 था, और जिसे बढ़ा के 3800 कर दिया गया है ITUT लखनऊ का। और ये भी है कि पहले 4 महीने का हम लोग का स्टार्टिंग में लगा था एक साथ, लेकिन इस बार 6 महीने का लगा है। अगर कोई चाहे कि मेस ले ले और हॉस्टल भी ले ले, अगर आपको चाहते हैं कि नहीं मुझे नहीं रहना है, तो आपको मेस का पैसा रिटर्न हो जाएगा, जितना दिन आप खाइएगा उतना दिन का ही पैसा लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आप 20-25 दिन खाते हैं तो भी 1 महीने का आपका पैसा जाएगा, इसीलिए आप अगर मैच छोड़ना चाहें तो 1 महीने रह कर ही छोड़ें, ठीक। हॉस्टल का पैसा मिलने का चांस कम है, लेकिन मैच का रिफंड हो जाता है अगर आपको मैच पसंद है। चलिए 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैच की सुविधा ना लेकर बाहर से टिफिन ले सकते हैं क्या? तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ ये सुविधा अवेलेबल नहीं है कि आपको केवल हॉस्टल मिले, ऐसे अगर होता तो हॉस्टल में सीटें ना रहती, क्योंकि हॉस्टल काफ़ी अच्छा है। बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल भी खैर जो है जितना में है वो अच्छा ही है, क्योंकि आपको 2425 रुपये लगते हैं हॉस्टल के, ITUT लखनऊ की बात कर रहा हूँ, तो हॉस्टल फीस भी ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे मेस कंपलसरी किया गया है कि आप हॉस्टल लेते हो तो मेस आपको लेना जरूरी है, और जहाँ कहीं कहीं नहीं भी है कंपलसरी तो वहाँ आप ले सकते हैं। अब 7वें नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, तो अर्जेंट किसी काम के लिए अवकाश मिलता है क्या? तो तबीयत ठीक नहीं है, तो अर्जेंट किसी काम के लिए अवकाश मिल सकता है क्या? तो जी हाँ, जरूर मिल सकता है। आप अपने TO मतलब ट्रेनिंग ऑफिसर से अप्लीकेशन लिख के छुट्टी आप ले सकते हैं, अवकाश ले सकते हैं, इसके लिए कोई परेशानी नहीं। हॉस्टल के रूल क्या क्या रहेंगे? हॉस्टल के रूल हम बात कर ले, तो जैसे बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल है तो बॉयज में तो थोड़ा बहुत चल जाता है, आप रात में 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 तक आ सकते हैं, और सुबह 6 बजे के बाद ही जा सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में ये रूल बहुत सख्ती से पालन होता है। तो और अगर आप गर्ल्स हॉस्टल की बात कर लें, तो गर्ल्स हॉस्टल में सुबह 6 बजे के बाद ही कहीं आपको जाना है, और शाम 7 बजे के पहले आपको आ जाना है, 7 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगा। वो भी अगर दिन में जाती है तो गर्ल्स के लिए है कि आपको, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है कि आपको रजिस्टर में एंट्री करके जाना पड़ेगा। आप बाहर कुछ भी के लिए जाइए तो खुद से एंट्री करना है, नाम, रूम नंबर, मोबाइल नंबर, किसकी आज्ञा से जा रही है तो वहाँ सेल्फ लिख दिया जाता है, क्योंकि हम दिन में जा रहे हैं। और कहाँ जाना है, मार्केट या फिर मेडिकल जो भी है आप लिख सकते हैं, या फिर किसी रिजेक्शन में, या फिर पेपर देने जाना है तो पेपर लिख सकते हैं। जाने का टाइमिंग क्या है और सिग्नेचर करना होगा, आते टाइम फिर आपको आने का टाइम उसमें लिख देना है, एंट्री कर देना है, तो ये रजिस्टर आपको शाम तक आ जाना है, ठीक। और बॉयज में भी यही सेम रजिस्टर करना है, बस केवल टाइमिंग अलग अलग है। हाँ,
हाँ, अगर आप घर जाना है, घर जाने के लिए, तो आपको एक स्लिप मिलेगा बकायदा, स्लिप जिसमें आपको तीन जगह नाम, पिताजी का नाम, ट्रेड, रूम नंबर, कितने कब कब जाना है, कितने कब तक जाना है और टाइमिंग क्या है जाने का, सब लिख के अपने टीओ से, ट्रेनिंग ऑफिसर से साइन कराना पड़ेगा, वार्डन से साइन कराना पड़ेगा और आपको असिस्टेंट डायरेक्टर मैम से तीन साइन आपको करवाने पड़ेंगे घर जाने के लिए। आप सोचिएगा कि बहुत लफड़ा है तीन साइन, कोई नहीं, ये सभी को जाना रहता है तो एक साथ सब स्लिप इकट्ठा होता है, कोई एक लोग जाके साइन अप करवा देगा, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। क्लास खत्म होने, लास्ट क्वेश्चन है, क्लास खत्म होने के बाद कॉलेज के बाहर जाने की अनुमति होगी या नहीं? तो क्लास खत्म होने के बाद कॉलेज के बाहर आप जा सकते हैं, कॉलेज के बाहर जा सकते हैं, लेकिन आपको अपने टीओ से बता के जाना पड़ेगा, सर मुझे ये काम है इसके लिए मैं जाना चाहता हूँ, या फिर कोई मेरा पार्सल आ रहा है तो मैं इसके लिए जाना चाहता हूँ, या फिर कोई मुझे मिलने आ रहा है तो बता के जा सकते, बिना बताए जाएंगे तो आपकी क्लास लग जाएगी, ठीक है? तो बता के जाइए, वैसे रूल नियम जो भी है, अगर चले गए, पकड़े गए तो आपको, आप दोषी है, नहीं पकड़े गए, रिटर्न आ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बता के जाइएगा, गलती नहीं करना है, खुद से स्टार्टिंग में बहुत मतलब सख्ती से सब नियम का पालन होता है, ठीक। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट है या फिर आपके भी मन में चार पांच क्वेश्चन है कि नहीं इस पर भी वीडियो बनाए, तो आप भी लिख के हमें व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप या फिर फेसबुक पे फ्यूचर टॉपिक स्टडी के नाम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।